ये स्पष्ट क्लियर हुआ है कि आपके प्रिंसिपल यहाँ नहीं आते हैं, ठीक है। आपके प्रिंसिपल सप्ताह में कभी कभी एक दिन दो दिन, और आते भी हैं तो शाम के 2-3 बजे छुट्टी के बाद। और ये सभी लड़कियों का जो 8 क्लास की बच्चियां हैं इनका है। और आज जो है आपके 4 टीचर यहाँ पर अलॉटमेंट है, और 4 में सिर्फ 1 टीचर यहाँ उपस्थित है, और बाकी 3 कहाँ गए? कौन सी छुट्टी पर है? बाकी बच्चों को पोशाक का पैसा नहीं सब आया है क्या? पोशाक का पैसा नहीं आया है क्या इस विद्यालय की? तो कहाँ आया है? यहाँ लोग बोल रहे हैं कि पोशाक का पैसा नहीं है। हमारे पास वीडियो है, कहिए मैं आपको भेज दूँ क्या? हम आपको वीडियो भेजते हैं, वीडियो आपको भी भेजते हैं, और हम डीएम साहब को भी वीडियो भेजते हैं। कहीं ऐसे विद्यालय चलेगा मैडम? यहाँ गरीब परिवार के सब बच्चे आते हैं पढ़ाई करने के लिए, यहाँ शिक्षा लेने के लिए आते हैं। सरकार इतनी सुविधाएं मुहैया करा रही है, और स्थिति ये है कि आप मतलब यहाँ कुछ भी मतलब सुविधा नहीं है। एक तो चापाकल उपाकल भी खराब है, एक चापाकल है, और शौचालय उचालय की भी स्थिति मान लीजिए चलिए बेसिक सुविधा है। इसमें जितना आपका आपका जितना एक मिनट गुरुजी, आपका जितना आप आकर यहाँ विजिट करिए, है ना? आप आकर यहाँ विजिट करिए, और विजिट कर देखिए कि जितने आरोप लगाए, आप 8 क्लास के बच्चियों से बात करिए और पूछिए कि क्या होता है। ऐसा कोई हेडमास्टर होता है क्या? मतलब जिसके कप्ताने नहीं रहेगा तो सिपाही कितना बड़े नहीं। इस पर आप विजिट करिए और सख्त कार्रवाई करिए, अन्यथा हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए ठीक है, हम आपके कार्रवाई का इंतजार करते हैं। ठीक, नमस्ते।